प्रत्युंजय आपने दिया है, जैसा आपने बताया कि जो दूसरी शादी होने वाली थी मंगनी हो गई थी, मंगेतर से क्या कोई पूछताछ होने की अभी तक जानकारी आपके सामने आई हो? कहाँ की रहने वाली है मंगेतर, इसका कोई अपडेट? देखिए अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं आई कि क्या पूछताछ हो गई है, हो रही है या होने वाली है, पर ये जरूर एटीएस के अधिकारी कह रहे हैं कि इससे संबंधित जितने भी रिश्तेदार होंगे दूर दराज के भी उनसे जरूर पूछताछ होगी। देखिए दोनों बहुत अहम कड़ियां हैं, एक पुरानी पत्नी, एक पत्नी बेहतर बता सकती है कि आखिरकार उसने अपने पति को क्यों छोड़ा, क्या वजह थी इसकी, उससे पूछताछ तो बेहद जरूरी है। और दूसरा, अगर दूसरी जगह रिश्तेदारी तय हो रही थी, दूसरी जगह शादी की बात चल रही थी और उस लड़की ने भी शादी के लिए मना कर दिया या किन वजहों से शादी टूट गई और वो लड़का कथित तौर पर जैसा परिवार ने दावा किया कि इस वजह से डिप्रेशन में चला गया, तो उस रिश्तेदार से भी बातचीत करनी बनती है। उस रिश्तेदार से भी एटीएस जरूर जानना चाहेगी कि आपने किस आधार पर या क्या कारण था कि शादी का रिश्ता टूट गया। तो निश्चित तौर पर ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर एटीएस निश्चित तौर पर काम कर रही है। ठीक है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। विवेक, जो जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है, पहली पत्नी से पूछताछ जारी है, दूसरी शादी नहीं हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद वो टूट गई, लेकिन सवाल ये है पहली पत्नी से तलाक हो गया, दूसरी पत्नी से शादी होने वाली थी वो भी टूट गई, तो ये सब किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए गुंजन परिवार से बिखर चुका था, हालांकि रहता वो घर ही पे था, किसी से बातचीत करना, किसी से मुलाकात करना ये सब कई महीनों से बंद था। अक्टूबर 2020 में मुंबई से लौट कर आया था परिवार के साथ, पहले परिवार के साथ मुंबई में रहता था मुर्तजा, वहीं नौकरी करता था, लेकिन नौकरी छूट गई, पत्नी से तलाक हो गया, उसके बाद 2020 अक्टूबर को लौट कर पूरी फैमिली मुंबई से गोरखपुर आई और यहाँ सिविल लाइन्स इलाके में उनका जो आवास है वो वहाँ पर रह रहे हैं, तब से वहीं रह रहे हैं। और गोरखपुर का बड़ा परिवार है, आपको बता दें कि उसके जो बड़े पापा हैं उनका एक बड़ा नर्सिंग होम है यहाँ पर, और उसके पिता एक बड़े लीगल एडवाइज़र हैं यानी कानून के जानकार हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उन्होंने काम किया। इस बड़े परिवार का बिखराव भी कहीं ना कहीं ये वजह है कि उसको कहीं जो दूसरे जो उसके फ्रस्ट्रेशन थे, जो उसके डिप्रेशन थे, जो मानसिक स्थिति थी उसके बिगड़ने के पीछे परिवार का बिखराव और पत्नी से अलगाव। हालांकि एटीएस और एसटीएफ जो जांच एजेंसियां हैं वो ये पता करने की कोशिश कर रही है कि परिवार का बिखराव था या बिखराव की वजह से परिवार अलग हुआ या उसके जो मानसिक स्वभाव जो उधेड़ बुन में चल रहा था, जिस तरह से वो जिहादी गतिविधियों में लिप्त हो गया था और अपने आप को एक संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष, कौम विशेष के लिए समर्पित कर दिया था उसने और कुछ बड़ी साजिशें करने की सोच रहा था, अजीब अजीब तरह की बातें कर रहा था, क्या उसकी वजह से परिवार टूटा है या उसके परिवार टूटने की वजह से वो ऐसा उसका मानसिक व्यवहार हो गया, ये दोनों अभी चूंकि बहुत सारे विशेषज्ञ भी हैं, एक तरफ उसके क्राइम की जांच चल रही है, अपराध की जांच चल रही है, उसके मंसूबों की जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ उसके मानसिक व्यवहार का भी विश्लेषण किया जा रहा है। मुर्तजा एक केस स्टडी के तौर पर है। देखिए पहले कई बार एटीएस और एसटीएफ की एजेंसियां जो देश की बड़ी एजेंसियां हैं उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर काम कर रही हैं, उन्होंने कोशिश की और पकड़े भी, लेकिन इस तरह का केस एटीएस या एसटीएफ के सामने कभी नहीं आया जिसके पीछे ना अभी तक ना कोई संगठन है ना कोई व्यक्ति है, एक इकलौता व्यक्ति लोन वुल्फ इकलौता व्यक्ति वो अटैक करने की साजिश कर रहा है, वो षड्यंत्र रच रहा है, खुद ही सब कर रहा है, खुद ही सारी चीजों को अरेंज कर रहा है, हाँ लोगों से मिलजुल रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, इंटरनेट पर सर्च कर रहा है, इन सर्च के जरिए ऐसे लोगों से मुलाकात के जरिए ही एटीएस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये नेटवर्क है कहाँ, ये नेटवर्क कहाँ से शुरू हुआ, ये नेटवर्क कहाँ जाके खत्म होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक इकलौता व्यक्ति मुर्तजा सामने आया है और उसके जो पहली सीढ़ी है वो उसका परिवार है, उसकी पत्नी है, उसके पिता है।